देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है और किस तरह की इसकी पैकेज, इसकी पैकेजिंग कुछ किस तरह की आती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम ग्लैम। सो फ्रेंड्स, आजकल जैसे फीमेल हाइजीन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिए जाने की बात की जा रही है और फीमेल हाइजीन को बहुत ज़्यादा ध्यान देना भी चाहिए आजकल, जैसे कई नहीं तो कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी से रिलेटेड आज एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट का रिव्यू मैं आप लोगों को करूँगी, जैसे हम सबको ही ज़रूरत होती है। तो वो है हमारे इंटीमेट पार्ट्स या जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो हेयर रिमूवल के ऊपर एक प्रोडक्ट है। तो जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स या इंटीमेट पार्ट्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और सेंसिटिव होते हैं, वहाँ किसी भी तरह की हार्श केमिकल का इस्तेमाल जो होता है स्किन के लिए बहुत बुरा असर कर सकता है। तो आज मैं आप लोगों को शेयर करूँगी एवरटीन क्रीम हेयर बिकिनी लाइन हेयर रिमूवर। तो ये एवरटीन क्रीम हेयर रिमूवर बिकिनी लाइन जो है ये नेचुरल ऑयल से बना हुआ एक बहुत ही अच्छा हेयर रिमूवर है, क्योंकि स्पेशली जो प्राइवेट पार्ट्स हैं या इंटीमेट पार्ट्स हैं उनके लिए ही ये जो हेयर रिमूवर क्रीम है वो बनाया गया है। तो चलिए मैं डिटेल्स में आप लोगों को बता दूँ। तो जैसे एवरटीन क्रीम हेयर रिमूवर बिकिनी लाइन नेचुरल कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट, तो इसमें नेचुरल कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट है जो कि तकरीब इसमें शायद 50% इसमें जो है कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है। तो इसमें हार्श स्मेल नहीं है और ये जिसमें जैसे यहाँ पे लिखा है नो हार्श स्मेल, नो इनग्रोन हेयर, नो रेजर बम्स, नो कट्स नेक्स और बर्न्स एंड नो स्किन डार्कनिंग। तो ये जो चीज़ें हैं इन ये चीज़ें मतलब इसे अगर आप अप्लाई करेंगे तो इन चीज़ों से आप बचे रह सकते हैं। तो चलिए अब बता दूँ कि इसमें ये जो है इसके की इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, जैसे ई वैक्स है, कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट है, सेटेनॉल, लिक्विड पैराफिन, EDTA, ग्लिसरीन, थायोग्लाइकोलिक एसिड, NaOH एंड प्रिजर्वेटिव्स और परफ्यूम। तो ये इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं। तो ये 50 ग्राम का पैकेट है और 50 ग्राम का पैकेट आपको 149 रुपीज़ इसका प्रिंटेड प्राइस है। लेकिन अगर आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट या एवरटीन का जो लिंक है, वेट एंड ड्राई का जो लिंक है वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, आप वहां से अगर ख़रीदेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इसके चलिए अब मैं बता देती हूँ जैसे कि ये हमें इसके प्रिकॉशंस क्या क्या हैं। तो इसे इस्तेमाल करने से पहले इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं वो हमें ज़रूर फॉलो करने चाहिए। तो प्रिकॉशंस हैं, डू अ पैच टेस्ट। तो कोई भी क्रीम अप्लाई करने से पहले स्किन में आपको जरूर से जरूर एक पैच टेस्ट कर लेना चाहिए और 24 आवर्स उसे देख लेना चाहिए। अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो फिर आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपने शेप की हुई है तो शेप करने के 72 आवर्स बाद ही आप क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इस क्रीम को अप्लाई करने से पहले आपको जो आप जहाँ भी अंडर आर्म से अपने प्राइवेट पार्ट्स में या बिकिनी लाइंस में अगर आप शेप हेयर रिमूवल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसे नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लेना है और उसके बाद आप इस क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। क्रीम को अप्लाई करने के बाद नॉर्मल वाटर से सोप मत यूज़ कीजिए, कम से कम 24 आवर्स सोप मत यूज़ कीजिए, सिर्फ नॉर्मल वाटर से वॉश कीजिए स्किन को। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जिसे हमें फॉलो करने हैं। तो आप देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है और किस तरह की इसकी पैकेज, इसकी पैकेजिंग कुछ किस तरह की आती है। ये इसकी पैकेजिंग है और चलिए आप देख लेते हैं। तो इसके अंदर जैसे हमें ये देखिए ये ट्यूब मिल रहा है क्रीम, तो इसे आप कम से कम 2 से 3 बार तो मे भी यूज़ कर सकते हैं अंडर आर्म्स में या अपने क्लीन बिकिनी लाइंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें आपको मिल रहा है इस तरह के, इसके अलावा आपको इसमें मिलेगा ये दो जो है टिश्यूज़ हैं जो कि टैबलेट के रूप में है। अगर इन्हें हमें पानी में डिप करके रख देना है, जब ये फूल जाएंगे तो इसे हम वाइप कर सकते हैं। और इसके अलावा एक स्टेपुला मिल रहा है इस तरह का और एक इंस्ट्रक्शन लिफलेट। तो ये कई कुछ चीज़ें हमें इस पैकेट के अंदर मिल रही हैं। तो जैसे अगर आप स्विमिंग पूल वगैरह में जाना चाहते हैं या फिर आप जैसे सी बीच में घूमना चाहते हैं, तो कई लोग होते हैं कि मतलब बिकनी पहनकर वो घूमना चाहते हैं, तो इस टाइम जो है आप इस हेयर रिमूवर से रिमूव कर सकते हैं अपने प्राइवेट पार्ट्स को, अंडर आर्म्स या बिकनी लाइंस को, जिससे कि आपको एक इस पैकेट में भी मेंशन कर दिया गया है कि बहुत ही अच्छे या बेस्ट रिजल्ट के लिए आप सबसे पहले आप हेयर को थोड़ा ट्रिम कर लीजिए और ट्रिम करने के बाद इसे अप्लाई कीजिए, तो इससे आपको बहुत अच्छा और स्मूथ एक रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलिए अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो इसे जैसे स्किन आप वॉश कर नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए, नॉर्मल वाटर से वॉश करने के बाद स्किन को आप इसको स्किन में
अप्लाई कीजिए स्किन में, जैसे इस तरह से। लेने के बाद ये जो स्टैपुला है इससे मैं इस तरह से फैला दूंगी। और इसे मैं इस तरह से इसको फैला दिया है। अब इसको 5 मिनट्स मुझे ऐसे ही रख देना है। तो इसको 5 to 7 मिनट्स मैक्सिमम आपको रखना है स्किन पर, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से मैंने इसको अप्लाई कर दिया है अच्छे से, ये देखिए स्किन पर। तो इसे 5 मिनट्स मैं ऐसे ही रखा रहने दूंगी और 5 मिनट बाद फिर मैं आप लोगों को वाइप करके दिखाती हूँ कि क्या रिज़ल्ट। तो फ्रेंड्स, मुझे अप्लाई किए हुए 5 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं इस टिश्यू से वाइप कर लेती हूँ। तो इस तरह से आपको इस टिश्यू से वाइप कर लेना है। इस टिश्यू को मैंने गीला कर लिया है और इससे मैं इस तरह से, तो आप देख सकते हैं ये देखिए स्किन कितनी साफ, और सारे हेयर्स यहाँ से देखिए इसमें आ चुके हैं, सारे हेयर्स इसमें इस टिश्यू में आ गए हैं। और आप देख सकते हैं कि स्किन ये देखिए सिर्फ 5 मिनट्स में ही जो है सारे हेयर्स निकल चुके हैं, और जो स्किन है बहुत ही सॉफ्ट है, ड्राई नहीं हो गई है स्किन। जैसे ड्राई हो जाती है दूसरे रिमूवर्स लगा, हेयर रिमूवर्स क्रीम लगाने से, ये ड्राई नहीं करती स्किन को। और बहुत ही इजीली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप इस तरह से टिश्यू से वाइप कर लीजिए गीली टिश्यू से, और स्किन एकदम ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट एंड शाइनी स्किन और एकदम क्लियर स्किन हो जाती है। तो इसी तरह से आप अपने अंडर आर्म्स या बिकिनी लाइंस पर हेयर रिमूवल इस तरह से आप कर सकते हैं। और एवरटिन को अप्लाई करके देखिए, आप ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छी एक हेयर रिमूवल क्रीम है इंटीमेट पार्ट्स या प्राइवेट पार्ट्स के लिए। मैं नॉर्मल वाटर से स्किन को वॉश करके आ गई हूँ और स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं हुई है, सॉफ्ट और मॉइस्चराइज है। तो एवरटिन जो ये हेयर रिमूवल क्रीम है ये बहुत ही अच्छा है सेंसिटिव स्किन के लिए। जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है वो लोग इसे अपने हैंड्स या लेग के हेयर भी रिमूव करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशली बनाया गया है बिकिनी लाइंस या अंडर आर्म्स के हेयर रिमूव करने के लिए। तो जिन लोगों की बहुत सेंसिटिव स्किन है वो इसे अपने आर्म्स या लेग्स के हेयर भी रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ इस पैकेट में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि सेंसिटिव स्किन फार्मूला, ये देखिए यहाँ जैसे लिखा हुआ है सेंसिटिव स्किन फार्मूला। तो होप आप लोगों को इसका रिव्यू अच्छा लगा हो या हेल्पफुल लगा हो आप लोगों को, क्योंकि मैंने अप्लाई किया है, मैंने इसे यूज़ किया है। यूज़ करने के बाद मुझे इसका ये जो क्रीम है ये बहुत अच्छी लगी इसकी, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर किया है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, साथ ही साथ इस प्रोडक्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय।